जो है ये वीडियो अधोबी आश्रम का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट के माध्यम से आप लोगों को कुछ मंदिर जो हैं उनके तथ्य दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ गाय भी यहाँ पे बाबा लोगों ने पाल रखी हैं और अब आप लोगों को कुछ मंदिर हैं जो दिखाते हैं उनके नज़ारे आप लोगों को। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये व्यास गद्दी है, यहाँ पे भागवत कथा मंदिर है। मंदिर में क्या है कुछ तथ्य वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग श्री ब्रज बालाजी की मूर्ति है। यहाँ पर श्री लज्जाराम बाबा, श्री उदयानंद बाबा, श्री आजाद बाबा और आप लोगों को कुछ आगे दिखाते हैं अभी। पर्यटक आते हैं दूर के, वो यहाँ पे मतलब रुकने के लिए बनाया गया यहाँ पर। और आप लोगों को भी दिखाते हैं ये कुछ सीन है। ये जो है यहाँ पर विश्राम गृह यानी कि जो भी भक्त जन आते हैं उनके लिए है ये बना हुआ। और ये कुछ बाबा लोगों की झोपड़ी बनी हुई है, ये बाबा की बनी हुई कुटी शांति कुटी। आसान तो ये एकांत करे कामनी संगत दूर। दोस्तों कुछ और आगे कुटी दिखाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं बाबा लोगों की कुटी है। यहाँ पर संत महात्मा बाबा सभी लोग यहाँ पे रहते हैं अपनी अपनी कुटियों में। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर और कुछ जंगल का व्यू है और ये इसके बाद सारा घना जंगल ही जंगल है। दोस्तों कैसे पेड़ है जो कि बिल्कुल सांप की तरह मुड़े हुए हैं और आप लोग यहाँ से यहाँ पे जो मतलब नज़ारा है वो बिल्कुल पहाड़ों जैसा है। ये इधर देखिएगा दोस्तों कितनी मतलब गहराई, यहाँ से आप इधर देखेंगे करीब 30 से 40 फीट गहरे पानी में जो पानी बिल्कुल बह रहा है तो सूखता हुआ पानी कहाँ कहाँ जाता है ये तो पता नहीं का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों मेरा नाम दिलीप है और आप देख रहे हैं दिलीप दी ब्लॉग्स। और दोस्तों इस ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इसी तरीके से दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। और आप लोग है मेरा सेकंड वीडियो मैंने यानी उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है ये भी आप लोग। दोस्तों बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बाकी आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल इधर घना जंगल है, यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और दोस्तों यहाँ का जो इतिहास था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी यहाँ पर जो भी लोग आना चाहते हैं जैसे कि स्थान पर यहाँ पर आने के लिए हरदोई से ये 33 से 35 किलोमीटर शायद पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों लखनऊ से इसका डिस्टेंस है 130 किलोमीटर। और जो भी वक्त लोग आते हैं वहाँ मतलब उन लोगों के रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पे है और आप मतलब रुक सकते हैं। खाना पीना तो आप लोगों को अपना ही करना पड़ेगा लेकिन रुकने की व्यवस्था है। बाकी ये स्थान बहुत अच्छा है, आप लोग टहल सकते हैं और देख भी सकते हैं। और आप अगला जो ब्लॉग आएगा दोस्तों वो भी कुछ अच्छा ही होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद। और दोस्तों ये भी मतलब कमेंट करना कि मुझमें मतलब मैं क्या गलती कर रहा हूँ और जो भी अच्छा लगे उसका भी कमेंट करना और मैं क्या गलती कर रहा हूँ आप ही के कमेंट से जो है मैं अपने आप को सुधारूंगा दोस्तों और कुछ नया करने का सोचूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।